तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल टेकी टॉकी पर। और आज के इस वीडियो में मैं आईफोन 10 का फुल इन डेप्थ रिव्यू करने वाला हूं। अभी इस फोन का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 70,000 रुपीज है, लेकिन कभी कभी सेल में इसका प्राइस 45,000 रुपीज तक ड्रॉप हो जाता है। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको 2020 में इसे लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको फ़ोन का ओवर लुक दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं ग्लास बॉडी के साथ आता है और साइड्स में स्टेनलेस स्टील है जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। यहां पर पावर ऑन ऑफ बटन है, सिम स्लॉट है, ऊपर की साइड कुछ भी नहीं है। इस साइड की तरफ एप्पल का ट्रेडिशनल रिंगर बटन है, वॉल्यूम अप एंड डाउन की है और नीचे के साइड में स्पीकर ग्रिल्स और साथ ही साथ चार्जिंग पोर्ट। इस फ़ोन में हमको 5.8 इंचेस का सुपर रेटिना डिस्प्ले यानी कि ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे कलर्स निकल कर आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक एप्पल का डिवाइस है तो नो डाउट बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम लगता है हाथ में। और यहाँ पर पीछे में हमको 12 कैमरा सेटअप देखने मिलता है, 12+12 मेगापिक्सल्स का। यहाँ पर एप्पल का लोगो है और नीचे के साइड की तरफ आईफोन लिखा हुआ है। एक बार अच्छे से आपको मैं दिखा देता हूँ इसका पीछे का लुक। फ्रंट साइड की तरफ हमको 7 मेगापिक्सल्स का कैमरा देखने को मिलता है और ये पहला आईफोन है जो कि फेस आईडी सेंसर के साथ आया था। काफ़ी शानदार कैमरा क्वालिटी निकल कर आता है। इस फ़ोन में एप्पल का ही चिपसेट लगा हुआ है, A11 बायोनिक चिप, जो कि काफ़ी फास्ट चिपसेट है, 10 नैनोमीटर पर बेस्ड चिपसेट है। हालांकि आईफोन 10 और 11 में जो हैं A12 और A13, इनसे थोड़ा स्लो है क्योंकि वो 7 नैनोमीटर पर बेस्ड चिपसेट है, लेकिन ये भी स्लो नहीं है, बहुत ही फास्ट है। इसका डिस्प्ले आप देख सकते हैं स्मूथ चल रहा है एकदम, और डिस्प्ले बहुत ही शानदार है क्योंकि एक ओलेड डिस्प्ले है। इसमें जो कॉन्ट्रास्ट हैं बहुत ही अच्छे हैं, ब्लैक्स बहुत अच्छे निकल कर आते हैं और जितने भी कलर्स हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। देख सकते हैं iOS 13.4.1 पर ये फ़ोन चल रहा है अभी। इस फ़ोन में हमको सिंगल सिम का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन जो 10R है और उसके बाद के जो आईफोन्स हैं उनमें हमको डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है, हालांकि उसमें से एक ई सिम है। इस फ़ोन में हमको IP67 रेटिंग का वाटर रेसिस्टेंस देखने को मिलता है। इस फ़ोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है लेकिन फास्ट चार्जर बॉक्स में नहीं आता है। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है लेकिन वायरलेस चार्जर भी बॉक्स में नहीं आता है। इस फ़ोन में फ्रेंड्स हमको वही सारे गेस्चर्स देखने को मिलते हैं जो कि जितने भी बेजल लेस आईफोन्स आते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कैमरा खोल कर दिखा देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे मोड्स हैं। यहाँ पे पोर्ट्रेट शॉट का भी ऑप्शन है और इसमें हम ऑब्जेक्ट का भी पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड पोर्ट्रेट शॉट नहीं लेता है, इसमें डुअल कैमरा सेटअप है उसके जरिए उसके थ्रू ये पोर्ट्रेट शॉट लेता है। अब आई इसकी प्राइस की बात, तो फ्रेंड्स 70,000 रुपीज़ में इस फ़ोन को लेना बेवकूफ़ी वाली बात है क्योंकि उसी प्राइस पर आईफोन 11 आता है। सिर्फ LCD डिस्प्ले का फ़र्क है आईफोन 11 और आईफोन 10 में, बाकी सारी चीज़ें आईफोन 11 में आईफोन 10 से ज़्यादा अच्छी हैं। और आईफोन 10R और 10 में ये अंतर है कि आईफोन 10R में हमको LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है और 10 में OLED डिस्प्ले और सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है हमको आईफोन 10R में। बाकी प्रोसेसर वगैरह आईफोन 10R का ज़्यादा अच्छा है आईफोन 10 से, और प्राइस भी आईफोन 10R का आईफोन 10 के मुकाबले अभी बहुत ही ज़्यादा कम है। आईफोन 10R आपको 50-55,000 में अभी मिल जाएगा, लेकिन आईफोन 10 का प्राइस 70,000 रुपीज़ है। अगर आप 70,000 रुपीज़ इस फ़ोन के ऊपर लगाने की सोच रहे हैं तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर ये फ़ोन आपको ग्रेट इंडियन फेस्टिवल या बिग बिलियन डेज ऐसे सेल में 40-45,000 रुपीज़ के भी आसपास में मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा डील होगा, बहुत ही अच्छा फ़ोन है उस प्राइस रेंज में ये। लेकिन 70,000 रुपीज़ में आप इसे मत लें, मेरा यही सजेशन है। आप इसके जगह आईफोन 11 की तरफ जा सकते हैं या फिर आप अभी आईफोन 11 का जो सक्सेसर आने वाला है अक्टूबर में उसके लिए भी वेट कर सकते हैं। उसका भी प्राइस रेंज 60,000 या 70,000 के आसपास ही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स हमको एनिमोजीज का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, मैं पहले बताना भूल गया इसलिए अभी बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि आपको 2020 में आईफोन 10 लेना चाहिए या नहीं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके सपोर्ट की हमें बहुत 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 ज़रूरत है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और अब मैं इंस्टाग्राम पर भी आ गया हूँ तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ जाकर मुझे फॉलो करें।